वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें, रात्रि भोज में देश के केंद्रीय मंत्रियों, राजमंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किए गए। मेहमानों ने प्राचीन वाद्य यंत्र संगीत को सुनते हुए दक्षिण से लेकर उत्तर भारत और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत के व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं अब रात्रि भोज का मेन्यू भी सामने आया है। इसमें श्री अन्न से बने व्यंजन भी शामिल किए गए हैं। यह भोज पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी था। मेन्यू कार्ड में शरद ऋतु के व्यंजनों को भी शामिल किया गया। अब हम आपको शुरुआती व्यंजन के बारे में बताते हैं, जिसमें दही के गोले, भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी श्री अन्न लफीफ क्रिस्पर्स व मुख्य भोजन में फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्री अन्न क्रिस्प, करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ कटर ग्लेट, भारतीय रोटियां मुंबई पाव, बाकर खानी, मिठाई में इलायची की खुशबू वाला सांवला हलवा, अंजीर आड़ू मुरब्बा, अंबे हो राइस क्रिप्स, वहीं पिए पदार्थ में कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग की चाय उपलब्ध थी। अंत में पान के स्वाद वाली चॉकलेट ट्रीट्स मेहमानों को परोसा गया। गौरतलब है, सभी मेहमानों को खाना चांदी के बर्तनों में परोसा गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित विशेष रात्रि महाभोज में रावण हत्या और रुद्र वीणा जैसे प्राचीन शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करते हुए एक संगीत प्रदर्शन गंधर्व आराध्यम की ओर से भारतवाद दर्शनम भारत के संगीतमय यात्रा पर प्रदर्शन आयोजित किया गया।